नमस्कार, नेशन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल कौशिक। आखिर कब बनेगा राम मंदिर? क्या शिवसेना बनाएगी राम मंदिर को? कब तक राम मंदिर को तारीख पर तारीख मिलती रहेंगी? क्या शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे से हिंदुत्व का चेहरा बनकर बीजेपी से आगे निकलना चाहती है? आखिर शिवसेना को इतनी जल्दबाजी क्यों है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राम मंदिर का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं शिवसेना को 18 सीटों पर दूसरे सहयोगी दल बनकर उभरी है। हमेशा से उद्धव परिवार या कहीं ठाकरे परिवार के लिए राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है। वैसे भी राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अब फिर उद्धव ठाकरे राम मंदिर के मुद्दे को हवा देने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या जाकर राम मंदिर की मांग को हवा देने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के सभी 18 लोकसभा सांसदों के साथ संसद का आगामी सत्र शुरू होने से पहले अयोध्या की यात्रा करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में अयोध्या की यात्रा की थी और 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की मांग भी की थी। उस वक्त शिवसेना का अपने सहयोगी दल भाजपा के साथ तनावपूर्ण संबंध था, लेकिन बाद में लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा एक पैनल भी है। भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन श्रीवास्तव और शिवसेना के प्रवक्ता हैं अनुराग शुक्ला। आप तीनों मेहमानों का नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा शिवसेना से ही है। अनुराग जी, क्या अब पूरे इस मुद्दे को आप हाईलाइट करके, क्या अब एक हिंदुत्व का जो चेहरा है, अब क्या उसको जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, अब क्या आप उसको हासिल करना चाहते हैं? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अनुराग जी? हाँ, अभी आपकी आवाज मुझे मिली। हिंदुत्व का चेहरा बनने और उसकी बात नहीं है। आपको अगर याद होगा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर ढांचा मेरे शिवसैनिकों ने गिराया तो मुझे उन शिवसैनिकों पर गर्व है। तो शिवसेना हमेशा से ही हिंदुत्व के कामों को करने के लिए लगी रही है और श्री राम मंदिर आंदोलन में भी शिवसेना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और शिवसेना की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो एक निस्वार्थ भाव से है, जो राजनीति से परे हटकर है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारी कोई होड़ है या कोई ऐसा है कि हिंदुत्व का हम बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। हम लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ये हम सब की अभिलाषा है। और इस बार लगता है कि राम मंदिर बहुत ही शीघ्र निर्माण भी हो सकेगा। आप अगर बात की जाए, इस चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे अयोध्या की तरफ का उन्होंने रुख किया था और अब जब चुनाव जीत गए हैं, उनके 18 सांसद जो हैं उनके साथ वो आ रहे हैं, क्या कोई शक्ति प्रदर्शन होगा? क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? भगवान श्री राम हिंदुस्तानियों के कण कण में, दिल में बिल्कुल बसे हुए हैं। और कभी भी हम लोग कभी भी आगे किसी भी कार्यवश निकलते हैं तो अपने आराध्य का दर्शन करना, उनकी पूजा अर्चना करना, ये सब हिंदू रीति रिवाजों में है, हमारी मान्यताओं में है, परंपराओं में है। एक विजय के अभियान या एक मंदिर के निर्माण की बात को लेकर पिछली बार जब नवंबर में उद्धव साहब ठाकरे आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी। साधु समाज के साथ में बैठे थे, संत समाज हमारे साथ में आया था और सारे संत समाज और हिंदू समाज के भी एक बहुसंख्यक वर्ग का एक ऐसा एक भरोसा बना था शिवसेना के ऊपर कि अब शिवसेना ही शायद एक अंतिम विकल्प के रूप में है जो इस राम मंदिर को आगे निर्माण हित बिल्कुल रास्ता प्रशस्त करेगी। अभी अगर वो फिर से अपनी इतनी विजय मिलने के बाद में एनडीए की गवर्नमेंट में शामिल होने के साथ में, अपने सारे साथियों के साथ में, अपने सारे एमपीज के साथ में अगर दर्शन करने आना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कोई भी शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, बल्कि अपने राम, अपने ईष्ट के प्रति अपने कृतज्ञता का भाव है, उनका देव दर्शन करना मात्र है। जी, अमित त्रिपाठी हमारे साथ भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लें। अमित, अगर बात की जाए एक
राम मंदिर के मुद्दे पे, तो आपको नहीं लगता आप कहीं ना कहीं जो सक्रिय हुई है शिवसेना, चुनाव से पहले भी वो आए थे, हालांकि जब आपसे कोई संबंध खासे अच्छे नहीं थे उनके, बेशक आपके घटक दल थे वो, और चुनाव जीतने के बाद अब जो उनके 18 सांसद हैं वो निकल कर आए हैं, हालांकि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जो पोस्ट है उसके लिए भी दावा ठोक दिया है उन्होंने, तो आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो इस मुद्दे पर बीजेपी को पीछे रखना चाहती है और खुद को हाईलाइट करना चाहती है? अंशुभ जी, पहले तो मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूँ, न्यूज नेशन लाइव के सभी टीम को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं आपके यहाँ पे खबर देखा था दोपहर में जो किसी मीडिया चैनल ने नहीं चलाई, आपने चलाई, और जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जिस तरीके से एक महिला ने आरोप लगाए थे, बेबुनियाद आरोप लगाए थे और अनाप शनाप आरोप लगाती चली जा रही थी, उसके बाद जिस तरीके से आपने उनको कैमरे के सामने ला के और उनका पर्दाफाश किया कि वो एक झूठ बोल रही थी और ऐसा कुछ नहीं था, खुद उनकी मां ने कहा कि उस महिला का मानसिक संतुलन खराब था, तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने, ठीक है, हमने वो काम किया, हमें सच बाहर लाना था, हमने वो काम किया, लेकिन मुद्दा अभी जो है वो जी, आप जी, पीछे तो हटते जा रहे हैं इस मुद्दे से, शिवसेना जो है वो हावी हो रही है जनता जी जी अमित नहीं, नहीं देखिए, जहां तक राम मंदिर मुद्दे की बात है, राम मंदिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर कभी ये नहीं चाहती कि नहीं बने, राम मंदिर अगर बनवाने की बात है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उसको आगे लेके जाती है, और दूसरी बात है कि अगर कोई दर्शन करने जाता है तो उसको रोका नहीं जाएगा, भाई राम जी सबके हैं, हमारे नहीं है सिर्फ, राम जी हर हिंदुस्तानी के हैं, और राम मंदिर जनता भी जानती है कि राम मंदिर अगर कोई बनवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बनवा सकती है, और जो ये बहुमत आया है जनता ने हम पे विश्वास किया है। लेकिन चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का अयोध्या आना, तमाम लाव लश्कर के साथ, अब वो चुनाव में 18 सीटें लेकर आए हैं, आपके घटक दल हैं मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अब उनका जो आ रहे हैं वो, जो उनका जो पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है अपने 18 सांसदों के साथ वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो जो दावेदारी ठोक रहे हैं राम मंदिर की, कि हम जो इसको इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके हाथ से वो जो मुद्दा है वो छिटकता जा रहा है? नहीं नहीं, कोई ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है राम मंदिर। राम मंदिर हम तो हमेशा से कहते आ रहे, हम तो राम मंदिर कब का बन गया होता, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी और उसने यही कहा कि राम मंदिर चुनाव के बाद इस पे निर्णय आना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से चाहती थी कि राम मंदिर बने, और जब फिर मैं आपसे कह रहा हूं जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कोई राम मंदिर बनवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बनवा सकती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को विकास और राम जी के नाम पे ये पूर्ण बहुमत आया, और आप विश्वास रखिए राम मंदिर अगर कोई बनवाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी, और संजय राउत है जो शिवसेना के जो प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं, उनका भी बयान आया कि जितना बहुमत, प्रचंड बहुमत इस बार मिला है, अगर इस बार भी अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं शर्म की बात होगी वो एनडीए के लिए, कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं नहीं, देखिए शर्म की क्या बात है, शर्म तो नहीं, शर्म की कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम आदमी भी बन के अगर बात करूं तो मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बने और राम मंदिर जल्द से जल्द बने, लेकिन जिस तरीके से ये जो निर्णय है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, हाई कोर्ट में हम लोग मुकदमा जीत चुके हैं और बहुत जल्द 15 अगस्त मध्यस्थता की डेट आई है और उम्मीद है कि उस पर फैसला हमारे पक्ष में आएगा और राम मंदिर हम बनाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पवन श्रीवास्तव। पवन श्रीवास्तव, लगातार हमने पिछले जो चुनाव में देखा अभी और इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखा, जो शिवसेना है वो लगातार जो हल्की सी तिलखियां आती हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इस बार भी हमने वो देखा, चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे आते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, अयोध्या का दौरा करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 5 साल तक दौरा नहीं किया था, अयोध्या का रुख नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इस बार उन्होंने भी वो सोचा कि उनसे पहले मोर्चा मार लेते हैं,
अयोध्या का, और इस बार भी जब वो 18 सीटें जीत कर आए हैं तब भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 18 सांसदों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब शिवसेना जो है वो इस मुद्दे पर खुद को फ्रंट फुट पे रखना चाहती है? जी अंशुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिवसेना की पहचानी हिंदुत्व छवि है, और शिवसेना शुरू से ही लेकर के अपनी जो छाप है, बाला साहब ठाकरे की जो छाप थी, उसको उद्धव ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको एक डर तो कहीं ना कहीं मन में है कि ऐसा ना हो कि हमारे जो हिंदुत्व की छवि है वो बीजेपी हमारी कर ले जाए। तो उसके अगुवाई के लिए वो बार बार, उद्धव ठाकरे जी पहले भी आए थे, इस बार भी वो आए हैं, और उनका एक साफ मकसद है कि अगर श्री राम भगवान की अगर वहाँ पर निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं शिवसेना का हाथ हो, शिवसेना की पहल हो, इसी पे वो लगे हुए हैं। और इसमें अभी देख, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है, कल अयोध्या का, अंशुल जी आपको सूचना मिली होगी जी, वो एक 7 फीट की मूर्ति भगवान राम की वहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं जी। तो ये प्रोग्राम शिवसेना के प्रोग्राम के बाद आया हुआ है इनका जी। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे शिवसेना हो, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान राम हमारे हैं या हम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बनाने वाले में अभी तक कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनता की जो इच्छाएं हैं वो ये है कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन मंदिर का निर्माण तो भी बहुत दूर दूर तक है, और NDA तो पूर्ण बहुमत से आई, पिछली बार से ज़्यादा आई है। संजय राउत जी ने जो कहा है वो हमने देखा और सुना है। संजय राउत जी बिल्कुल सही कहें कि अगर NDA इस बार भी अगर राम मंदिर नहीं बना सकती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बना पाना। लेकिन अब ये सामने ये रखा जाता है कि अब हिंदुत्व पे भी अगर दो पक्ष आ जाएंगे, बीजेपी और शिवसेना दोनों आ जाती है कि मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, तो हो सकता है विपक्ष के लिए बढ़िया सा मौका मिल जाए और मंदिर न बनाने का एक बहाना भी मिल सकता है। जी अंशु जी, तो जो ये जो होड़ मची हुई है कि पहले मैं, लेकिन धरातल पे जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनती नजर नहीं आ रही, तो आखिर क्यों शिवसेना को इतनी जल्दबाजी क्यों है इस मुद्दे को अपनाने की, इस मुद्दे पे अपने आप को खुद को फ्रंट फुट पे लाने के लिए? कहीं ना कहीं अंशुल जी, कहीं ना कहीं शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी की पूरी इच्छा है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाएं। आपको याद होगा पिछले कुछ वर्ष पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी भी खड़ा किया था और अपनी एक अच्छी छवि भी यहाँ पे रखा था कि हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे और हिंदुत्व के लिए रक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लालच मन में आया होगा, 18 सांसद इनके जीत के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश कोई भी राजनीतिक दल हो उत्तर प्रदेश पे ही वो राज करना चाह रहा है। अगर वो दिल्ली पे राज करना चाहेंगे तो उनका एक इच्छा होता है कि उत्तर प्रदेश से कुछ सीटें मिले, और उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे ज्यादा नहीं तो 20-25 सीटें ये अपना कवर कर सकते हैं। जी अंशुल जी, अनुराग शुक्ला जी, आप लगातार ये इस मुद्दे को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी फ्रंट फुट पे रहना चाहते हैं इस राम मंदिर के पूरे प्रकरण वाले मामले पे। अब आपने साथ साथ अगर देखा जाए तो आपने डिप्टी स्पीकर की जो 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 पोस्ट होती है उसका भी आपने दावा ठोका है, किस आधार पे आपने दावा ठोक दिया? अरे सरकार में रहे हैं, साथ में काम किया है और अच्छा खासा उसके अंदर भी हमारा बहुमत है, तो अगर कोई भूमिका मांग ली गई तो उसमें क्या गलत किया हमने? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको ये पोस्ट देगी, डिप्टी स्पीकर जैसी पोस्ट? देखिए, अभी तक मैं जहां तक समझता हूं कि जब भी ऐसी कोई बात आई है तो सामंजस्य हमेशा बिठा के काम हुआ है, और महाराष्ट्र में वैसे भी शिवसेना एक बड़े भाई के रूप में काम करती थी, यद्यपि पिछले चुनाव में कुछ मतभेद सामने रहे लेकिन फिर भी हम लोग ने मिलजुल के वहां पर अच्छी सरकार चलाई। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर अगर वो लोग भी ठीक ढंग से विचार करेंगे तो मांग ऐसी कोई बड़ी मांग भी नहीं है। कहीं जो तलखियां थी भारतीय जनता पार्टी से आपकी, कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं है कि आपने जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुत्व का, राम मंदिर का, वो आपने लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो आपने दावेदारी आप ठोक रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम तो नहीं है जो तिलखी थी पिछले चुनाव में? नहीं, इसको विशुद्ध एक चीज आप बात कर रहे हैं विशुद्ध राजनीति की, और दूसरी बात है आस्थाओं से जुड़ी हुई बात। तो अगर हम अपनी आस्थाओं के साथ में खड़े हैं
और अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं और उन आस्थाओं के लिए फिर से हम जनता के बीच में जाके जनमानस को और अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक धार्मिक कार्य करने के लिए जितना ज़्यादा जनमानस हमारे साथ में रहेगा उतना ज़्यादा अगर हमारा संगठन का आधार बढ़ेगा तो हम लोग एक अपनी बात को एक अपने अच्छे काम को एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो पद मांग लिया, तो पद मांग लिया तो वहां पर तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि साथ में काम किया, फिर मैं वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि सरकार में थे, अच्छे से थे, तो वहां पे पद की दावेदारी की अगर कोई बात आती है तो वो कोई गलत बात नहीं आती। तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ना मेरा ख्याल से उचित नहीं है। नहीं, जैसे आपने बोला कि महाराष्ट्र में तो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है शिवसेना, आपको लगता है जैसे महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा भाई जो है वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये पद आपको खुद कहेगा आप आइए और बैठिए इस पद पर, आपको लगता है ऐसा? मैं समझता हूं कि कोई भी बात होती है तो रास्ते हमेशा बातचीत के जरिए से ही निकलते हैं और इन चीजों के रास्ते भी बातचीत के आधार पर ही निकलेंगे। अभी एनडीए के अंदर भी आप देखें तो बिना किसी विवाद के साथ में नीतीश जी का आपने उदाहरण देखा और वही दूसरी तरफ आपने शिवसेना को देखा, जबकि नीतीश जी से ज्यादा बड़ा दल हम लोग का था और बिना किसी भी विवाद के किसी भी तरीके के उसके बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हम लोग सब लोग सरकार में शामिल हुए, हम लोग को न्योता मिला और आगे के लिए साथ में काम करने के लिए एक टीम बनी। तो अगर वहां पर महाराष्ट्र में ऐसी कोई जरूरत महसूस कर रही है शिवसेना कि यहां पर भी टीम को एक बार फिर से देखा जाए और रिशफल किया जाए और अगर कोई पोस्ट आती है तो हम लोग भी अपना और कोई थोड़ा बेस्ट का पार्ट दे पाए तो थोड़ा सा बेहतर ही होगा। ये जनता के हित की भी मांग है क्योंकि शिवसेना हमेशा जनता के हितों में खड़ी रही है तो वो और ताकत के साथ में भी और खड़ी हो सकेगी। ठीक है, हमारे साथ पवन श्रीवास्तव भी हैं। पवन श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर से कहीं आस्था है या कहीं उस मुद्दे पर अब मंथन की बात की जा रही है, या आपको सिर्फ लगता है सिर्फ के जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसी को एक जो उसका मुखौटा है जो उसका जो चेहरा है उसको बनने की सिर्फ एक कोशिश है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मंशा है वो सबकी साफ होगी, उसके पीछे जो मंशा एक है कि राम मंदिर बने, क्या वो क्लियर है? अंशुल जी, राम मंदिर तो सभी की इच्छाएं हैं, मन के अंदर हैं कि सभी चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन जहां पार्टी बेसिक में मामला आ जाता है वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बनाएंगे। और जहां तक हम समझ रहे हैं शिवसेना इस समय उसी कदम पे चल रही है। शिवसेना ये दिखाना चाह रही है कि हम देश में हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और हमने हिंदुओं के लिए किया है और राम मंदिर भी हमें हमारे कहने से ही बनेगा, और इसी कारण वो अयोध्या आ रहे हैं, अपने 18 सांसदों के साथ में आ भी रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, और एक संदेश जाएगा और संदेश जाने के साथ साथ में भाजपा के लिए भी एक संदेश हो जाएगा कि बिना मेरे भगवान राम मंदिर नहीं बन सकता है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं या जो भी है ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर केवल एक मुखौटा ही है, जो आपने अंशुल जी कहा वो मुखौटा ही है, वो बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं फिर विरोधाभास होगा, रुकावट होगा। ठीक है, और हमें नहीं लग पा रहा है कि ये सब चलता रहेगा। बाकी ये है कि जो आपने देखा होगा जो सबसे बड़ी मूर्ति भगवान राम की तैयार हो गई है अयोध्या में लगना है, वही लगाया जाएगा और उसी की पूजन करेंगे लोग, कराएंगे। ठीक है, चाहे शिवसेना हो या भाजपा हो। सर अमित त्रिपाठी, लगातार जो सरयू नदी के किनारे जो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनाउंसमेंट की थी कि सबसे बड़ी एक मूर्ति लगाई जाएगी श्री राम की वहां पर, आपको लगता है कि उसका एक जो राम मंदिर का जो आपका मुद्दा है जिसको आप बार बार एक साइडलाइन कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आएगा उसी के आधार पर सब कुछ सर्वमान्य होगा, आपको लगता है कि आपके मन में भी वही है या आपके मन में अब लगता है कि नहीं राम मंदिर के लिए अब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक अध्यादेश आना चाहिए संसद भवन के अंदर और वहाँ से राम मंदिर का रास्ता क्लियर होना चाहिए? क्योंकि हमने पहले भी बातचीत की है जहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो भी लगातार ठोक के कहता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इकट्ठे होकर आए और बैठ कर बात करें। तो आपको लगता है कि अब जो स्थिति है वो क्लियर है या कहीं ना कहीं सिर्फ एक अल्टरनेट तलाशा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से योगी जी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं और जिस तरीके से अयोध्या को चमकाया जा रहा है, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है
कि राम मंदिर अगर कोई बनवाएगा तो योगी जी प्रदेश में और मोदी जी देश में, इन्हीं के रहते बनेगा। और जिस तरीके से दूसरी बात आप ये अभी हमारे शिवसेना के भाई कह रहे थे कि छोटा भाई बड़ा भाई, मैं इनको बता दूं कि जिस समय भी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, अगर हमने अकेले लड़ा है तो आप भी जानते हैं कि दोनों के अकेले लड़ने पे कौन कहाँ था, हमने कितनी सीटें जीती, कितने आगे थे। तो बड़े छोटे की बात नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, लेकिन बात जहाँ छोटे बड़े की आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी पार्टी है। और आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, अयोध्या में भाजपा की सरकार है, यहाँ शिवसेना हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी खुद एक चेहरा हैं जो जिनको जनता पसंद करती है और जिन पर जनता विश्वास करती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवाएगी और जिस तरीके से निर्णय पड़ा है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो हम उस पर दूसरा विचार कर सकते हैं। और आपको भी पता है 2020 में राज्यसभा में भी हमारे पास मेजोरिटी हो जाएगी। उसके बाद जी ने कहा कि शिवसेना हम पर दबाव ना बनाए, जो लगातार आपके तरफ से बयान आते हैं कि अब नहीं तो कब बनेगा, अब मैंडेट है आपके पास, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, अगर अब नहीं बना तो कब बनेगा, तो ये लगातार जो एक दबाव आपकी तरफ से बनाया जा रहा है वो दबाव अब भारतीय जनता पार्टी सहने वाली नहीं है। जैसा कि आपने उनको छोटा भाई कहा, वो छोटा भाई नहीं, बड़े भाई की भूमिका में है, आपको लगता है ये सही है? निश्चित रूप से एनडीए में मोदी जी आए हैं और इतने सारे सांसदों के साथ में आए हैं, तो एनडीए के अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर वही बड़े भाई की भूमिका में होंगे। मैंने एक विशेष महाराष्ट्र के बारे में बात करी थी, और दूसरी बात ये बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें दबाव की राजनीति का कहीं पर कोई भी महत्व तो नहीं है। ये जनता से, हिंदुस्तानियों के मन से जुड़ा हुआ, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का विषय है, और अगर इसको शिवसेना अपनी पूरी ताकत से उठाना चाह रही है तो उसमें राजनीति को क्यों खोजा जा रहा है, मैं तो ये सोचता हूँ। हाँ, जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं होंगे, उत्सुक नहीं होंगे, और उनको अगर अपने ऊपर ये कोई ब्लेम गेम लगता होगा कि शिवसेना इस तरीके से आगे आके मेरे को पीछे छोड़ रही है, तो ये उनके अपने मन का चोर होगा। वरना तो शिवसेना का मुद्दा शुरुआत से राम मंदिर का रहा है, और शिवसेना हमेशा राम मंदिर के लिए लड़ी है और राम मंदिर के निर्माण के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। तो आज अगर वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपने उन्हीं फर्ज को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना उसी रूप में काम कर रही है, और शिवसेना की अपनी एक कार्यशैली है, उसको अगर दबाव समझा जाता है तो मैं उस बात के लिए कुछ भी नहीं कह सकता हूं। और मुझे लगता है कि यहां पर दबाव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि अगर शिवसेना ताकत लगा के जनमत, जनमानस को और इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय का इंतजार है, कोई रास्ते निकालने के लिए अगर कार्य कर सकती है तो उसमें भी बुरी बात नहीं है। संसद में अगर सवाल वो उठा सकती है राम मंदिर को लेके, तो उसको अपना सवाल वो उठाएगी, तो उसमें राजनीति के साथ त्रिपाठी लगातार जो शिवसेना का यही कहना है कि उनकी कार्यशैली ही ऐसी है, विचारधारा के आधार पर जुड़े हुए हैं, वरना दोनों अलग ही राजनीतिक दल हैं, और हर राजनीतिक दल को अपने तरीके से जनता के बीच में जाकर अपनी कार्यप्रणाली और अपने विचारों को प्रेषित करने का अधिकार होता है। अमित त्रिपाठी, आपने सुना शिवसेना कह रही है कि यही उनकी कार्यशैली है, अगर आपको लगता है दबाव की, आप उसको लगता है दबाव है तो आप दबाव मान लीजिए, लेकिन उनकी कार्यशैली यही है काम करने की। तो अब लगातार ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है, कहीं आपको नहीं लग रहा कि इस मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट पे थी, अब वो बैक फुट पे है, और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का एक दल है शिवसेना, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फ्रंट फुट पे आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि शिवसेना हम पर दबाव बना गई है। शिवसेना हमारा सहयोगी दल है, और हमको भी हम वो खुद चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और उनकी जो मांग है उस पर हम लोग खुद चाहते हैं कि उस पर हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भी विश्वास करती है। अभी हम लोग कोई कदम उठा देंगे तो आपका ये कहना कि आपके पास बैंडेज है, कि देखिए आप सबसे बड़े दल हैं हिंदुस्तान में, तो फिर क्यों राम मंदिर की वो बात करेंगे? क्या उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में है? आप कह रहे हो आप दबाव की बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। देखिए अभी मोदी जी को शपथ लिए हुए दूसरे कार्यकाल में अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, जिस तरीके से हमें बहुमत आया है, मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से 15 अगस्त को मध्यस्थता की डेट आई है जहां तक मुझे पता है, तो अगर उस पर कोई निर्णय नहीं आता है तो हम लोग आगे विचार करेंगे, और उचित कदम जो भी होगा
हम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी सरकार मंदिर बनवाएगी। और जिस तरीके से योगी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं, उसके बाद से जितनी बार उन्होंने अयोध्या के दौरे किए हैं, अभी तक 15 साल में कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का अयोध्या नहीं जाता था। तो ये सुधार आया है। नरेंद्र मोदी 5 साल में एक बार गए हैं, योगी जी चुनाव से पहले वो अयोध्या में गए हैं, आखिर क्यों पिछले चार सालों में क्यों याद नहीं आई थी उनको? नहीं तो योगी जी तो 2 साल हुआ सरकार को, जहां तक आप मोदी जी की केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र ने कई बार कोशिशें की, हमारे यहां से वकीलों ने खुद दायर किया कि हमें रोज सुनवाई हो, जितनी जल्दी हो ये मुद्दे पे फैसला आना चाहिए। एक के बाद एक दिन के एक हमारी पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया था कि सुनवाई जल्द से जल्द खत्म हो और इस पर फैसला हो। और हम फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हमारे पक्ष में निर्णय होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो ठीक, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, चाहे कैसे बने हमें कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनता की भावनाओं के साथ न्याय करेंगे और मंदिर बनाएंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से 1992 में जब वो ढांचा गिराया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही शहीद हुए थे, जब मुलायम सिंह ने कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राम जी के अयोध्या और आज तक 15 साल से जब तक हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी लड़ते चले आ रहे थे। वही आपसे कह रहा हूँ, योगी जी है, जनता को विश्वास है, मोदी जी को आप जाएं, अमित त्रिपाठी आज भी बाल ठाकरे जी का जो बयान है, वो जो इंटरव्यू है वो आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। जब पूछा गया था कि ये जो विवादित ढांचा है वो किसने गिराया, तो सबसे पहले शिवसेना ही आई थी और बाल ठाकरे थे उन दिनों, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये मैंने गिराया है, आप उससे सवाल कीजिए, तब भी वो आके श्रेय लेकर चले गए थे, आप फिर भी बैकफुट पर थे। एंड नो अदर वन वाज देयर टू टेक द चार्जेस। अमित त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मैंने आपसे क्या कहा, देखिए शिवसेना हमारा सहयोगी दल है, शिवसेना जिस कदम पे चलती है, हमारे विचार जो हैं वो एक तरीके के हैं, इसीलिए आज हम हमेशा से साथ हैं। और शिवसेना की मांग ये खराब नहीं है, हम लोग खुद कह रहे हैं जायज मांग है, और राम मंदिर बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और जिस तरीके से बहुमत हमें आया है, चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 में हमें बहुमत आया, चाहे 2019 में, जनता ने विकास और राम मंदिर, राम जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। अभी 1 महीना हुआ है दूसरे कार्यकाल में, आप 5 साल होते होते देखिएगा राम मंदिर बनने की ओर कदम बढ़ चुका होगा। ठीक है, अनुराग शुक्ला जी, आपने सुना अमित त्रिपाठी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने विवादित जो ढांचा था वो हमने गिराया, तो लगातार उसका जो श्रेय है वो खुद ले रहे हैं। और मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है, बहुत पुराना है, आप यूट्यूब पे आप भी देखिएगा, जब बाल ठाकरे जी से पूछा गया कि जो विवादित ढांचा है वो गिराया किसने, तो उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा था कि वो मैंने गिराया है। तो कहीं ना कहीं जो काम है, जो मेन काम है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्रेडिट भाजपा नहीं ले गई है, मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता थे वहां। ठीक है अनुराग जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ पहले। माननीय सतीश अनुराग जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये जो गर्मा गर्म डिबेट है ये कंटिन्यू करते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। अगर खाना पीना लगेगा नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सन्यासी सेहत टेबलेट का निर्माण किया है, ताकि आप जो भी खाएं पिए वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, खाया पिया शरीर को लगेगा, ताकत आएगी,
जान आएगी, वजन बढ़ेगा, आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। पहले 15 दिन में ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। ये दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और आप घर बैठे 011-4545-4545 पर फ़ोन कर दवा मंगवा सकते हैं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाना पीना लगना। अगर खाना पीना लगेगा नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए सन्यासी आयुर्वेदा ने सन्यासी सेहत टेबलेट का निर्माण किया है ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो पूरे का पूरा आपके शरीर को लगे। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, हाजमा दुरुस्त होगा, नया खून बनेगा, खाया पिया शरीर को लगेगा, ताकत आएगी, जान आएगी, वजन बढ़ेगा, आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। पहले 15 दिन में ही आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। ये दवा हम सीधे डाक या कोरियर द्वारा आपको भेजते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का कमीशन बचे और आपको दवा सस्ते में मिल सके। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और आप घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन कर दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद नेशनल लाइव में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं शिवसेना के राम की। लगातार शिवसेना जो है मुद्दा उठा रही है श्री राम का, उनके राम मंदिर का, और अब जो उनके जीते हुए सांसद हैं 18 जिनकी संख्या है, उनको लेकर वो अब नए सत्र से शुरू होने से पहले अब वो अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं, राम लला के दर्शन करना चाहते हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है। मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले शिवसेना के प्रवक्ता हैं अनुराग शुक्ला, उनसे था। अनुराग शुक्ला जी, लगातार जब श्रेय लेने की बात आती है, चाहे वो विवादित ढांचा को गिराने की बात हो या अब एक नए सिरे से अब मंदिर के निर्माण की बात हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है हमेशा फ्रंट फुट पे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो हमेशा उसकी जो भूमिका है वो रनरअप वाली कंडीशन में रही है, सेकेंड पोजिशन पर रही है। अब क्या वो खुद को आगे रखना चाहती है इस पूरे मंदिर के मुद्दे पर? हो सकता है कि धरातल भारतीय जनता पार्टी का हमसे ज़्यादा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुत्व के विचारों को लेकर और हिंदुत्व के लिए काम करने को लेकर शिवसेना शुरुआत से ही अग्रणी रही है और ये हमेशा प्रथम भूमिका में रही है। और जब 92 के आंदोलन से पूर्व भी आपने अगर देखा होगा, मुंबई के बम धमाकों से लेके
कई सारी घटनाएं रही जब हिंदुत्व की रक्षा करने की जब जब बात आई है तो शिवसेना ने अपने रोल को बखूबी निभाया है और हमेशा अग्रणी भूमिका में रह के निभाया है। बिंदु इस बात का नहीं है कि आगे कौन, अभी मैं जहां तक समझ पाता हूं कि चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, पूर्ण बहुमत की हमको एक सरकार मिली। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर निर्माण का मामला विचाराधीन है, मध्यस्थता का भी एक प्रस्ताव है हम लोगों के पास में, लेकिन अगर शिवसेना ये सोचती है कि अब हम पूर्ण बहुमत में हैं और कोई अगर तीसरा रास्ता भी कोई अधिनियम के जरिए से ऐसा कोई निकाला जा सकता है तो क्यों नहीं इस सरकार को सोचना चाहिए और सदन को सोचना चाहिए। तो शिवसेना उन बातों को लेकर अगर आप सोचते हैं कि आगे बढ़ रही है तो उसको अगर दबाव की बात मानी जाए वो मानी जाए। मैं समझता हूं कि राम मंदिर का निर्माण जो कई दशकों पहले हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है, शिवसेना को इसके लिए इसका दुख का विषय है, हम लोगों के लिए इसका दुख का विषय है कि अपने विचारधारा की सरकारें आने के बाद में, पूर्ण बहुमत में आने के बाद में, उन्हीं के नाम पर सरकारें आने के बाद में, यद्यपि एक बात यह मैं जरूर कहूंगा कि विगत लोकसभा चुनाव के अंदर राम मंदिर का निर्माण कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया था, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना शिवसेना की तरफ से, तो खैर राजनीति का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अब वो भूले हुए प्रसंग जो लोग अगर भूल गए हों तो उनको अगर याद दिलाना है तो हम लोग एक बार दर्शन करते हैं सारे सांसदों के साथ में, अपनी आस्था फिर से व्यक्त करते हैं, अपना संकल्प फिर से लेते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें भूमिका अग्रणी मानी जाए चाहे दूसरे नंबर की मानी जाए, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और हम लोग बिल्कुल मतवालों के तरीके से अपनी बात को उठाने के लिए और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, ऐसे कोई भी उपाय को छोड़ेंगे नहीं और आगे उन उपायों पर लगे रहेंगे, अपनी कार्यशैली में अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव है हमारे साथ। पवन जी, आपने पूरी जो दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की दोनों तरफ से आप बात आपने सुनी है लगातार, चाहे वो श्रेय लेने की बात हो या फिर एक बड़े भाई और छोटे वाली जो भूमिका की आपने बात सुनी, आपको नहीं लगता कि इन दोनों जो पार्टियाँ हैं, बेशक ये दोनों एक ही गठबंधन है इनका आपस में, आपको नहीं लगता अगर ये दोनों पार्टियाँ अगर चाहें तो राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर एक बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो तलखियां आई थी चुनाव से पहले वो भी राम मंदिर जैसे जो मुद्दे थे उन्हीं के बेस बनाकर ही वो तलखियां आई थी। जी अंशुल जी, राम मंदिर मुद्दा तो है लेकिन इस पे राजनीति हावी है। राजनीति इसलिए हावी है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना अभी कहीं है नहीं और उसको कहीं दिखाई पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे हम हिंदुत्व का मुद्दा हम खेलेंगे तो हो सकता है 2-4-10 सीटें हमारे पास आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो पिछले दो सरकार बन चुकी है, राम मंदिर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, वो अलग प्रकरण है, लेकिन उस पर राजनीति करना, अयोध्या पे राजनीति करना ये अभी चल रहा है, केवल राजनीति हो रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व की पार्टी केवल शिवसेना है और इसीलिए वो आ रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए अपने 18 सांसदों के साथ में। दूसरी तरफ अंशुल जी, अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, भगवान राम की प्रतिमा वहाँ पे रखेंगे और कुछ योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में अयोध्या राम मंदिर नहीं है, अयोध्या पे राम मंदिर की नई मंदिर निर्माण होगी, लेकिन जिस मंदिर की लोग इच्छाएं हैं, जो आम जनता की जो इच्छाएं हैं, जिस मंदिर की बात हो रही है, राम जन्म भूमि की बात हो रही है, वो तो तिरपाल पे ही हैं और ये राजनीति का अखाड़ा में हमें नहीं लग पा रहा है कि राम मंदिर तिरपाल से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल अभी ये हो रहा है कि हिंदुत्व हमारी है और बीजेपी कह रही हमारी है। हाँ, अभी कहीं ना कहीं शिवसेना और भाजपा में दरार पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा अंशुल जी, इन दोनों के बीच में घुल मिल गई है। अमित त्रिपाठी हमारे साथ। अमित त्रिपाठी, क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम रखकर इसके जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो सरयू नदी के किनारे श्री राम की मूर्ति लगाना हो या दूसरे मंदिरों का निर्माण करना हो, आपको नहीं लगता कि आप जो लोगों की जो भावनाएं हैं क्या अब आप उससे खेल रहे हैं? क्योंकि लगातार आपके पास मैंडेट है, आपके पास पावर है,
जैसे आपने SC ST एक्ट को आपने संसद में लाकर उसको पारित करवा दिया था, उस कानून को आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है, आपके पास इतना मैंडेट है कि आप इस मुद्दे को भी आप सुप्रीम कोर्ट से अपने संसद भवन में लाकर उसको पारित करा के एक अध्यादेश लाकर उसको कानून बना दें? आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो जो SC ST की आप बात कर रहे हैं, उस पर अध्यादेश की बात कर रहे हैं, तो SC ST का किसी सदन में किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अगर राम मंदिर की बात आएगी तो अभी वहां विरोध शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लेकर तो आइए ना, पता लगे देश को कि आखिर कौन वो लोग हैं, राम जी कौन की मूर्ति तो रामों के साथ नहीं बनने देना चाहते। आप लेकर तो आए, तभी तो पता लगेगा जनता को, देश की जनता को, आखिर वो कौन लोग। मैंने आपसे कहा तो राम मंदिर जो नहीं बनना देना चाह रहा था उसका हास्य जनता ने क्या किया वो आपने देख लिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन कैसे मान ले, देखिए SC ST उन लोगों को भी कैसे मान ले, चुनाव में एक मुद्दा था, सुनिए, और राम जी हमारे मुद्दा नहीं है, हमारे आस्था का विषय है। और जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि वो जो मूर्ति लग रही है राम जी की और उस पे हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए वहां पे राम जी की मूर्ति लगा रहे हैं कि लोग आए दर्शन करें, क्योंकि अयोध्या सिर्फ राम जी का है, वहां किसी दूसरे की जगह नहीं है, किसी ढांचे की जगह नहीं है। लेकिन लेकिन इस तरीके से अभी है, जो निर्णय हमें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जा रही है, उनके पास लगता है संजय राउत उनके सांसद हैं, उन्होंने भी कह दिया कि आप हमारे पास मैंडेट है, अगर अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा राम मंदिर, हमें पूरा विश्वास है कि बनना चाहिए मंदिर इस बार, क्योंकि हमारे पास मैंडेट है। हालांकि तो हम भी तो कह रहे हैं अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है अपना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब 15 अगस्त जो मैंने आपको डेट बताई, अगर उस पर नहीं होता कोई भी कदम भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा राम मंदिर के लिए, राम मंदिर जरूर बनवाएगी, लेकिन ये किसी भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। जनता को पता है कि अगर कोई राम मंदिर बनवा सकता है तो योगी जी प्रदेश में बैठे हैं, योगी जी से बड़ा कोई चेहरा प्रदेश में नहीं है जो राम मंदिर नहीं बनवाया, ऐसा कोई नहीं कह सकता, जनता को उन पर विश्वास है। और इसीलिए अयोध्या जब से CM बने हैं तब से वो हर कुछ महीनों बाद अयोध्या जरूर जाते हैं, अयोध्या से उनका विशेष लगाव है, और योगी जी की कार्यशैली पे किसी को शंका नहीं है। योगी जी के साथ और कौन है जी? योगी जी के साथ और कौन है? आपके तो बहुत सारे दल है जो घटक दल है, और कौन कौन लोग हैं जो प्रतिबद्ध है राम मंदिर के लिए? आपके तो बहुत सारे घटक दल है ना, शिवसेना का नाम आप क्यों नहीं ले रहे, तो प्रतिबद्ध है आपके साथ? प्रदेश नहीं, हमारा शिवसेना है, शिवसेना हमारा सहयोगी दल है, शिवसेना की जो मांग है वो जायज है, वो जो वो मांग कर रहे हैं वही हम भी मांग करते आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी शिवसेना कह रही थी कि राम मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था, तो शिवसेना भी यही महाराष्ट्र की पार्टी है, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी और उनकी सरकार नहीं थी इतने सालों से, अब हमारी सरकार आई, हमें दूसरा कार्यकाल मिला है, जनता को विश्वास है, थोड़ा संयम रखे, थोड़ा विश्वास रखे, मंदिर जरूर बनेगा। ठीक है, मंदिर जरूर बनेगा। अनुराग शुक्ला जी, लगातार अब ये आपको लगता कि ये अब होड़ मच गई है जी, अब भारतीय जनता पार्टी अब सीधा सीधा एक होड़ में शामिल हो गई है कि हम आपसे पहले इस मुद्दे को उठाएंगे, आप कह रहे हैं कि हम इससे पहले इस मुद्दे को हाईलाइट रखेंगे, इसको गरमाए रखेंगे इस राम मंदिर के मुद्दे को, लेकिन जैसे बन जाएगा तो हम इसका कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, एक राजनीतिक जो फायदा इसको मिलेगा उसका हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगता ऐसा होने के चांसेस हैं? यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा, एक तो योगी जी निसंदेह हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक है, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और धर्म हित में, तो उनके उनके ऊपर ये कोई प्रश्न चिन्ह इस बात का नहीं है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ में मुझे ये भी जरूर कहना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखें, जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि वो राजनीति की विषय वस्तु ज्यादा बन गई है, शिवसेना ने 1-2-3 बार जब भी मांग उठाई, पिछले 5 वर्षों में भी जब सरकार रही तो आपने ऐसा क्या पाया कि कोई विशेष थोड़ा जल्दी वाइंड अप सरकार की तरफ से कर दिए गए हो जो राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हो? ठीक है, ये सवाल है।
ठीक है पवन श्रीवास्तव, अब इस बात का आ जाता है, ठीक है शिवसेना सीमित फाइनल कमेंट के बाद, क्या अब लेकिन मुद्दे की जो गेंद थी अब क्या शिवसेना के पाले में जाती दिख रही है क्या? फाइनल कमेंट, कोई भी सवाल रिएक्शन, वाइंड अप का समय हो चुका है पवन श्रीवास्तव। बिल्कुल, क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना